किसका? फर्स्ट वाले का, जैसे न्यूमेरिकल में होता है ना कभी कभी भी नई क्वेश्चन बन पा रहा, तो मैंने फर्स्ट वाले को कंपेयर किससे किया? थर्ड वाले से। ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखा, ए से बी हो रहा है वहां पर, कितना ऐड हुआ? वन। फिर एच आई जे दो ऐड हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हो, ओ कितने माइनस हुए? दो माइनस हुए। अब दो माइनस हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाओ, बी से एफ हुआ, बी से एफ कितने माइनस हो गए? दस माइनस हो गए। अब इस वाले में सेम कंडीशन लगाओ, फर्स्ट वाले में क्या हुआ था? ऐड हुआ था, तो सी से डी बन पा रहा, सी से डी बन रहा। फिर आ गया हो एस एच जे, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है? नहीं बन रहा। तो अब हमने दो तरीके लगाए, दो में से ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो यानी कि हमारा जे ही वाला तरीका बिल्कुल सही है। डी क्यू आई ई, बात समझ में आ गई? हमने क्वेश्चन को चारों तरफ से पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा, तो तरीका हमारा यही सही है कि जो फर्स्ट वाले में कंपेयर हुई है वही उससे नेक्स्ट वाले में कंपेयर हो गई। बस समझ में, ये किसका आंसर आया था? डी क्यू के एम फर्स्ट वाला। कहाँ गलती कर दी सर? मैंने दो ही चेक करे थे, नहीं ए ही तो आया था मेरा। हाँ ए ही मेरा, नहीं ए आया कैसे? आपने पूरा चेक दो ही चेक, क्योंकि डी और क्यू मेरा फिक्स बैठ गया था। अच्छा, आगे का किसी में नहीं था। हाँ हाँ, तो इसलिए गलती हुई है ना। मैंने क्या बताया, जब ऑप्शन इस तरीके के मिलेंगे तो उसे कंप्लीट को चेक करना। नहीं सर, उसमें ए भी ऑप्शन था वैसे। नहीं नहीं, वो नीचे भी तो दिखाई दे रहा है, डी से हमारे बात आई क्यू भी होगा ना, हमारा क्यू भी होगा डी के बाद। डी के बाद क्यू होगा। अच्छा अच्छा, फिर आपने आगे लिखे हो ना, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हां, लेकिन अब देखो यहां पर चेंज हो गया, डी क्यू आई के बना इसका सही। बात समझ में आई? डी क्यू आई के, तो ये मिस्टेक इस वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई, थोड़ा बीच वाला है, करना है इस वाले क्वेश्चन को करेंगे सर। और ये क्या लिखा है? ओपन।
ओपन का कोड हमें निकालना है ना, इनके नंबर डालेंगे पहले, सही है। ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 12 15 19 और 5 4 14 18 23 और 10। इस तरीके से पहले की कंपेयर पहले वाले से करते हैं। 3 से 4 हुआ कितना जुड़ा, 1। 12 से 14 हुआ कितना जुड़ा, 2 जुड़ गए। 15 से 18 हुए कितने जुड़े, 3 जुड़ गए। 15 से 18 होने पर कितने जुड़े, 3। आई बस समझ में। फिर 19 से 23 हुआ कितने जुड़े भैया, 4। फिर कितना है, 5। 5 से 10 हुए तो प्लस के 5। तो क्या सीरीज बनी, +1 +2 +3 +4 +5। नेक्स्ट वाले में भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अल्फाबेट्स हैं स्टार्टिंग वाले में कितने दिए हुए हैं, 5, और उसमें कितने दिए हुए हैं, 4। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि 4 ही हम ऐड करेंगे, 5 तक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि जब अल्फाबेटिक हम है तो जो उसकी हाईएस्ट संख्या है वहाँ तक ऐड करेंगे। कितने हाईएस्ट नंबर हैं या कितने हाईएस्ट अल्फाबेट हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 4 तक ही ऐड करेंगे। ओ से क्या हुआ देखो जरा, ओ जब ओ में ए जुड़ा, इनके नंबर डाल देते हैं, इसके नंबर ये हो गए, इसके नंबर हो गए 15 16 5 और 14, 15 16 5 और 14 इसके नंबर हो गए। 15 में 1 जोड़ा कितने हो गए, 16 नंबर पर क्या आया, 3। फिर 16 में कितने जुड़ेंगे भी, 2। तो 16 और 2 कितने हो गए, 18 नंबर पर आता है R। आई बात समझ में। फिर E है, E में कितने जुड़ेंगे, 3। जब 3 जुड़ेंगे तो कितना हो गया, R H। फिर 14 में 4 जुड़ेंगे तो 18, 18 नंबर पर फिर क्या आ गया, R। तो PR HR इसका आंसर, PR HR क्या बना इसका, सही उत्तर। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आपको पूरी बात
जीरो जीरो तो ही
इंग्लिश में कुछ है ही नहीं, जीरो हमारे इंग्लिश में कभी कुछ नहीं होता। तो अब क्या कहते हो आप कि ए बी तो हमारे पास आ गया, ये ए बी तो आ गया, लेकिन ये जे है, जे कैसा है, ये जी कैसा है, इसकी सुनने की बात है। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी जीरो बना सकता हूँ, कैसे बना सकता, समझना, जो जे होता है वो जे होता है हमारा दसवें नंबर पर, जे होता है हमारा कौन से नंबर पर, दसवें नंबर पर। और दस की अगर इन दोनों की मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, वन इंटू जीरो, तो कितना हुआ जीरो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जे कौन से नंबर पर आया था, जीरो नंबर पर आई बस। तो इसलिए इसका उत्तर क्या बना, ए बी जे, बात समझ में आई। इसलिए ऐसे बनाया है यहाँ पर सर, ए बी जीरो होता है जी डी, क्यों सर वो मिनट को एक को बता दो सर, डी है ना वो पॉइंट जो जीरो पर, कौन से वाला पीस है सर, डी का, डी डी जो है डी का तो यूज नहीं है ना क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है ना। हां अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज वो कहती है, उस तरीके का लॉजिक लगता है तो होगा, बिल्कुल होगा, बात समझ में आई। अब इस क्वेश्चन में ऐसा बनाना पड़ा, या तो लॉजिक लगेंगे ना, या कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, या तो लॉजिक लगेंगे, या शाम दाम धनवे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करने से हमें आंसर लेके आना है, वही ये है रीजनिंग, सही है। यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे लेकिन आंसर लेके आएंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर एक फॉर्मूला नहीं है कि बस उस पर आधारित हम चलते रहेंगे। अब पहले वाले क्वेश्चन को, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसे भी कुछ इस तरीके से छोड़ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एम ओ आर ई, एम ओ आर ई लिखा है, ई ओ एम ओ आर ई लिखा है, ई ओ आर एम एस यू आई टी, एस यू आई टी का आपको बताना है कि एस यू आई टी का कोड क्या बनेगा, टी यू आई एस, बिल्कुल से बहुत ही अच्छे। देखो ये ही जो अक्षर है हमारे मोर वाले, एम ओ आर ई का मतलब क्या था, मोर, मोर के ही अक्षरों को आपस में अलट पलट कर दिया, मोर के ही अक्षरों को आपस में क्या कर दिया, अलट पलट कर दिया। तो जिस कंडीशन में इन्हें पलटा है उसी कंडीशन में अगले वालों को पलटेंगे, उसी कंडीशन में इसे पलटेंगे आगे वाले। यहाँ भी चार अक्षर है, वहाँ भी चार अक्षर है, वहाँ भी चार अक्षर, अगले वाले में भी चार ही अक्षर आएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या बना, डी आई यू एस या टी यू आई एस, टी यू आई एस, टी यू आई एस इसका सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, टी यू आई एस, ना कि टी आई यू एस, बात समझ में आ गई। देखो ई ई फर्स्ट वाले बात, वैसे टी को फर्स्ट वाले में ले जाओ, अब टी दो में फर्स्ट पे, इसकी और इसकी तो कहानी खत्म हो गई, इनका तो यूज ही नहीं है। अब बचे कौन कौन से, भाई जिसकी शुरुआत टी से हो रही है, टी की एक तो पहले वाले से हो रही है, एक लास्ट वाले से हो रही है, समझ में आ रहा है नहीं बताओ, ये हो गया। अब देखो टी आ गया, फिर देखते हैं क्या आया, इसके बाद इन्होंने ओ आर, दोनों बीच वाले ऐसे टीज है, इन दोनों बीच वालों में कोई बदलाव नहीं करा, इसके दो बीच वाले ले लो, यू आई यही कही, लास्ट वाला पहले वाला काम पहुंच गया लास्ट में, तो पहले वाले को काम पहुंचा देंगे हम भी लास्ट पे पहुंचा देंगे। तो टी यू आई एस इसका सही उत्तर, क्या इसका सही उत्तर बना, टी यू आई एस, आई एस, बिल्कुल बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 15 15, एच सी एम एफ ए के एस जी डी और क्वेश्चन मार्क है क्यू आई बी जी ई एस, आंसर है इसका, इन्होंने बताया कि इसका आंसर है सी, क्या सभी कहते हैं कि इसका आंसर सी होगा, तो मुझे भी बिल्कुल यही लग रहा है जो वो बता रहे हैं कि इसका आंसर सी ही सही होगा, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, माइनस टू का यूज हो रहा है, सभी किसके आधारित है, माइनस टू पर आधारित। देखो सभी क्वेश्चन करके एक बार, तो क्वेश्चन को किस में बदलना है, अगर इंग्लिश अल्फाबेट का भी क्वेश्चन है उसे भी आप किस में बदलेंगे, न्यूमेरिकल में, नंबर में बदल देना, आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्या लॉजिक लग रहा है, कितने जुड़ रहे हैं कितने घट रहे हैं। अब देखो जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन करे सारे के सारे क्वेश्चन किससे करे, कि अल्फाबेट को किस में चेंज कर लिया,
नंबर नंबर अल्फाबेट का बदलाव किसने करा संख्याओं में है ना अक्षरों का संख्याओं में बदलाव करके वहां से हमने क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए तो अब समझ में आ गया होगा तुम्हें मुझे लग रहा है इसी तरीके से तो ये ही से क्वेश्चन को करने का तरीका तो इसका सही ऑप्शन क्या बना ऑप्शन नंबर सी क्यू ई बी क्वेश्चन नंबर 16 ये ATEIGHTY 80 को लिखा है GIEYTH फिर आउटपुट को आपसे पूछा है एक इनपुट आउटपुट होती है ना कंप्यूटर में वही से क्वेश्चन बना दिए हैं कि आउटपुट को क्या लिखा जाएगा सर बी सभी होगा सर बी है सर बी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है बहुत ही अच्छे बी इसका सही उत्तर है 80 20 का सही उत्तर है आप चेंज किए हैं देखो कैसे हैं ये क्या लिखा था EIGHTY 80 को क्या लिख दिया GIEYTH फिर आपसे किसका पूछा गया आउटपुट का अब देखो कैसे चेंज किया तीन तीन में तोड़ दिया शुरू में तीन GIE तो GIE फिर YTH तो YTH बात समझ में आती है सर वैसे ही इसे पकड़ेंगे TUO अब देखो TUO और TUO के दो ऑप्शन बने हुए हैं TUO के भी दो ऑप्शन बने हुए हैं लेकिन अगले वाला TUP अब देखो यहां तो लिखा है UPP और यहां पर लिखा है TUP तो हमें तो TUP चाहिए तो TUP इसका सही उत्तर बना यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बनेगा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बनेगा नोट कर लिया तुमने क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचे देखो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है टीचर को क्या लिखा है इन्होंने टीचर को लिखा है ए ई टी डी आर ई एच आर से किसके लिए बात हो रही है रेनबो एन ए एन जी ओ रेनबो प्रोफेसर है हां दोनों अक्षर का बताओ देखो क्या कर दिया बताओ मुझे इसे करके बताओ आप इसे खुद बनाएंगे सर सी नहीं सर सी सी होगा सी होगा यस सर सी इसका सही उत्तर है बिल्कुल सही जी सर सी ए एम डबल ओ जी ए एम डबल ओ जी मैं इसका सॉल्यूशन करा के बताऊं कि क्या हुआ अगर कोई नहीं ना देखो ध्यान दो देखो जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे ना या लिखेंगे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना सही है कभी स्मॉल में लिखो स्मॉल में लिखने से क्या होता है कि क्वेश्चन को गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं टीचर को लिखवाया क्या ए ई टी डी आर ई एच किसके लिए बात कर रहा है मैंगो के लिए मैंगो का पूछना चाहता है आपसे तो ध्यान देंगे ये क्या है ए ई टी A E T पहले ये देखो कि इसमें अक्षर कितने हैं सात अक्षर हैं यहाँ भी सात हैं यहाँ पर कितने का प्रयोग है पांच का प्रयोग दोनों जगह विषम संख्याओं के अक्षरों का प्रयोग है सात क्या होती है विषम संख्या और पांच भी क्या है विषम संख्या यानी कि ओड नंबर वही इस्तेमाल हो रहा है अब समझना इसमें तीन का पेयर दिया और घुमा दिया फिर जो बीच वाला था सी से क्या कर दिया डी एक बढ़ा दिया वन ऐड कर दिया फिर आए हम नेक्स्ट थ्री पर एच ई आर एच ई आर नहीं एच ई आर लिखा था उसे क्या लिख दिया आर ई एच हमें क्या करना है हमारे पास तो पांच का है ना बस तो हम उसे किसमें तोड़ेंगे दो दो और बीच वाला बढ़ाना पड़ेगा बीच वाले को बढ़ाएंगे तो अब इसे हमने तोड़ दिया ए एम इसे लिख लेंगे क्या ए एम और n n जो है n किस में जाएगा o में n के बाद जब एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा o तो ये आ गया हमारा o और फिर o को बदलेंगे तो क्या आएगा o g जब o को बदलेंगे आपस में तो क्या आएगा o g नहीं आई बात समझ में बताओ तो ये बना हां जी देखो ध्यान दो कोई बात नहीं ये क्या लिखा था भाई टीचर इसमें कितने अक्षर है सात शुरू के तीन को बदल दिया T E A तो यहाँ पर A E T जो ये मिड वाला अक्षर है
तीन इधर रह गए, तीन इधर, बीच वाला एक अक्षर बना जो कि सात की संख्या हुआ अक्षर है। सी वाले में एक जोड़ दिया, इसे डी बना दिया, बाकी जो तीन है उन्हें बदल के लिख दिया आर ई एच, आर ई एच। अब मैंगो में हमारे पास पांच अक्षर थे तो हमने इसे दो दो में तोड़ दिया और बीच वाले में एक बढ़ाना है, तो एम ए को लिखा हमने ए एम, एन में एक जोड़ेंगे तो ओ, और जब गो को बदलेंगे तो ओ जी। आई बात समझ में नहीं है? जब गो को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओ जी। और देखो इसमें, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। पी क्यू 06, पी क्यू कितना लिखा है 06, आर वी, आर वी का वो आपसे पूछना चाहता है कि आर वी का कोण क्या होगा, आर वी का कोण क्या होगा वो आपसे पूछना चाहता है। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि पहले वाले से दस भी नहीं।